तहल्लो सजनों और सजनियों, मैं हूं इस वक्त काठमांडू के ललित शहर के बीचों बीच मौजूद पाटन दरबार स्क्वायर में। इस जगह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का भी खिताब दिया गया है और ये नेवारियों के लिए चमत्कारिक जगह भी माना जाता है। यहाँ पे बहुत से मूर्तियाँ, मंदिर और बहुत से कलाकारी वाली चीज़ें भी देखने को मिल रही है ये चीज़। और यहाँ मेरे पीछे म्यूजियम भी है, ये पूरा का पूरा स्थल म्यूजियम है। 2010 से पहले ये बहुत ही अच्छा रूप में था, ये इसका जो डिज़ाइन है एकदम अभी ओरिजिनल के तौर पे ही है। इसे लाल ईंटों से बनाया गया, इन चीज़ों को जितने इनको बनाने में ईंट लगी है पूरी लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और 2010 से पहले ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन भूकंप आने के बाद इसका 90% हिस्सा तबाह हो बर्बाद हो गया था, जिसे दोबारा बनाया जा रहा है। 90% हिस्सा तबाह बर्बाद का मतलब है कि बहुत से हिस्सा गिर गया था, बहुत से में क्रैक आ गया था, जिन्हें फिर से बनाया जा रहा है। देख लीजिए रिन्यू का काम किया जा रहा है। इधर मेरे पीछे भी ये पूरी जगह पाटन दरबार स्क्वायर का ही हिस्सा है। ये अंदर में म्यूजियम यहाँ पे भी है, एक और म्यूजियम है, पहले जो म्यूजियम दिखाया था वो है, एक ये भी है। और इधर भी ये एक मंदिर है जिसके अंदर जाना भी मना किया गया है, क्योंकि इसके अंदर ये देख लीजिए इसके अंदर नो एंट्री है, प्रवेश निषेध है। और उधर भी एक मंदिर है जो डैमेज हुआ बन रहा है, ये भी इतना बड़ा घंटा बनाया गया है गाइस, अगर ये गलती से गिरा ना तो ये नीचे का दुकान सब निपटा देगा। पर हाँ, ये टूरिस्ट स्पॉट है पाटन दरबार स्क्वायर इस जगह का नाम है। इस जगह आप इधर आइएगा, इसके बाहर थोड़े से यानी कि ये एंट्रेंस है, यहीं से आप एंट्री लेंगे। यहाँ पे इस स्टोन पे लिखा हुआ है पाटन दरबार स्क्वायर, देखिए पाटन दरबार स्क्वायर। और यहीं पे इसके इर्द गिर्द चारों तरफ ये मार्केट है, छोटी बड़ी हर चीज़ें मिलती हैं। आप मनी एक्सचेंजर्स यानी मनी एक्सचेंज करने वाले और हर करेंसी चेंज करने वाले। और यहाँ पे इसका जयपुर मेट्रोपोलिस सिटी एंड पाटन म्यूजियम के लिए टूरिस्ट एंट्रेंस फी यहाँ जमा किया जाता है। टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो गाइड भी यहीं पर मिलता है, यहाँ पर उनको फीस जमा करना पड़ता है और फिर यहाँ से वो लोग अंदर जाएंगे। और हम तो आए हैं तो हम तो ब्लॉगर हैं और हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, म्यूजियम के अंदर हम भी जाएंगे तो हमें भी फीस जमा करना पड़ेगा, हमें भी टिकट लेना पड़ेगा। तो ये पूरी जगह पाटन दरबार स्क्वायर का ही हिस्सा है। यहाँ पे जाने के लिए दिया गया है, ये जो स्पॉट है उसको भी ब्लॉक किया गया है, इस पर भी आप नहीं जा सकते। यहाँ ये जो है इसके अंदर ये पूरी टूरिस्ट स्पॉट है, घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह। इसके अंदर भी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं, इसमें अंदर जाने के लिए टिकट भी लगती है। और यहाँ पे ये कबूतरों को दाना लोग डाल करके फोटो खिंचाते हैं यहाँ पे सब, खासकर यहाँ पे टिकटॉकर्स लोग बहुत आते हैं रील्स बनाने के लिए और भर भर के रील्स बनाते हैं यहाँ पे। पिछले 2-3 घंटे से आप आ करके बैठ करके मैंने लोगों की एक्टिविटी देखी कि हाँ यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाने लगा, क्योंकि पहले जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्या है, उसके बाद ही वीडियो बनाना बेहतर होता है, नहीं तो हम कुछ भी बता देंगे आप लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं। इसके अंदर जाने वाली है तो ये मंदिर है, लोग पूजा करने जाते हैं और टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं इसके अंदर, पता नहीं और क्या क्या है। सो हम तो इसके अंदर गए नहीं। ये बैठने के लिए जगह बनाई गई है जहाँ पर आप बैठ करके अपना मस्ती कर सकते हैं। ये पूरी जगह, इस पूरी जगह को पाटन दरबार बोलते हैं, पाटन दरबार स्क्वायर। यहाँ पे नीचे जाने पे यहाँ झरने ये धारा लगा हुआ है, इसको धारा बोलते हैं। और यहाँ पे ये आप लोग सोचेंगे कि पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टिंग की जा रही है, तो ये पानी का कोई वेस्टिंग नहीं, ये काम, ये जो पानी है ये पहाड़ों से डायरेक्ट झरने के सहारे आता है, ये पहाड़ों का पानी है, डायरेक्ट पहाड़ से और इसको कनेक्शन किया गया है। और काठमांडू में इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ों के पानी को डायरेक्ट नल यानी कि पाइप लगा कर कुछ जगहों पर खींच दिया जाता है, इसको धारा बोलते हैं। ये एकदम पीने लायक पानी होती है और ये जो पानी है देख लीजिए रियल में पानी है गाइस, रियल में एकदम शुद्ध पानी है पीने के लिए, एकदम प्योर और ठंडा, ऐसा लग रहा है कि आइस वाला पानी। तो गाइस बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट पे आप घूमने जाते हैं और वहाँ पे एक पानी का भी बाटल अप खरीदेंगे तो बाहर जितने रेट में मिलता है उससे दोगुनी रेट में आपको अंदर मिलेगा म्यूजियम या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे। पर यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक पानी का बाटल खरीदा जिसका बाहर म्यूजियम से बाहर इस जगह से बाहर रेट है 25 रुपये नेपाली, और यहाँ पे भी
25 रुपया नेपाली में हमने एक बॉटल पानी खरीदा, जिसका इंडियन करेंसी 15 रुपया होता है। तो हमने 25 रुपया नेपाली दिया था, क्योंकि यहाँ इंडियन चलता नहीं है, यहाँ इंडियन लोग नहीं लेते हैं पैसे। अगर आप कभी भी काठमांडू घूमने आए तो खास कर आप सबको मैं एक बात ज़रूर बता दूँ कि कभी भी आए तो इंडियन करेंसी लेकर ना आए। यहाँ कोई नहीं लेता अब इंडियन करेंसी, पहले लेते थे अब नहीं लेता है लोग, तो नेपाली करेंसी लेकर आना जरूरी है। तो हमने 25 रुपया पे किया और एक पानी का बॉटल हमने यहाँ पे परचेस किया, जो कि सेम वही रेट है जो बाहर रेट है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप अंदर लेते हैं तो वही रेट है खाने पीने की चीज़ों में। हालांकि अब ये जो कुछ सामान बैग से या कुछ भी यादगार के लिए आप खरीदना चाहते हैं इस जगह पे, तो उनका प्राइस मैं नहीं बता सकता कि कितना लेंगे, पर खाने पीने की चीज़ों के लिए यहाँ पे कोई भी आइसक्रीम हो, चिप्स हो, या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था हनुमान टोका का मैंने ब्लॉग किया था, आज मैं पाटन दरबार में आया हूँ और कल भी और जगह पे जाऊँगा। तो ये बहुत लंबे चौड़े जगह में है, पूरी हर जगह पे आप जब देख सकते हैं हर जगह पे यहाँ पे है ये। लेकिन हाँ देखिए उधर भी है, ये भी है। अब इसमें खास बात ये है कि ये सब भूकंप के समय में डैमेज जो हुआ था ना, भूकंप के समय था, तो इसलिए अभी इस सब का रिपेयरिंग का काम चल रहा। और ये टूरिस्ट लोग, ये देखिए ये सारे केरला वाले आए हैं, ये जो पीले ड्रेस में येलो ड्रेस में है ये सारे टूरिस्ट लोग केरला से हैं, साउथ इंडिया सारे लोग। मैं बैठ के इन्हीं के बीच घूम रहा था उस टाइम, थोड़ा सा बैठा था इनके जहाँ वो लोग बैठे वहीं पर मैं बैठा हुआ था, तो ये लोग तमिल तेलुगु में बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा इधर भी हैं। बहुत केरला से बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, सब येलो ड्रेस में है, सब लोग उसके अंदर भी गए हैं और इसके अंदर भी लोग जा रहे हैं। इसके अंदर जाने के लिए एक ये म्यूज़ियम है, ये सारे म्यूज़ियम ही बोले जा रहे हैं, इसको टेंपल बोला जाता है। देखिए पाटन म्यूज़ियम, ये है पाटन म्यूज़ियम, इसके अंदर जाने पे टिकट लगती है और टिकट काउंटर भी है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला मेरा स्टॉप कहाँ होगा, अगले कौन सी जगह पर वीडियो बनाऊँगा उसके लिए अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर पता करता हूँ कि इसके बाद कौन सा अच्छा जगह है और वहाँ पर कल का ब्लॉग होगा और आप सबको भी देखने में अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी।